1 जुलाई 2019 काबुल के उत्तर में एक ट्रक में धमाका हुआ। तालिबानी लड़ाके शहर में घुस गए। अफगानिस्तान को छोड़ने पर तालिबान और अमेरिका के बीच डील भी लगभग पक्की थी। 5 जुलाई 2019 प्रधानमंत्री कार्यालय दिल्ली। रॉ चीफ सामंत गोयल अचानक प्रधानमंत्री कार्यालय पहुंचे और पीएम मोदी को देखते ही बोले, सर अब हमारे पास वक्त नहीं है, तुरंत फैसला नहीं लिया तो कश्मीर में कुछ भी करना मुश्किल हो जाएगा, काबुल पर तालिबान का कब्जा हो गया तो मुसीबत बन सकती है। दरअसल यही वो घड़ी थी जब प्रधानमंत्री मोदी ने आर्टिकल 370 हटाने पर अंतिम मुहर लगा दी। लेकिन सुरक्षा एजेंसियों को कश्मीर में विद्रोह की आशंका थी। अफगानिस्तान में हो रही हलचल ने उसमें एक और चिंता जोड़ दी। भारतीय सुरक्षा एजेंसी रॉ को लग रहा था कि तालिबानी लड़ाके पाकिस्तान की मदद से कश्मीर में घुस सकते हैं। आर्टिकल 370 हटाने के फैसले से घाटी में क्या असर हो सकता है, इसे लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने बाकी सुरक्षा एजेंसियों से इनपुट लिया तो सामने आया कि लोकल पुलिस हथियार उठा सकती है, गैर कश्मीरियों के साथ पर्यटकों पर जानलेवा हमले भी हो सकते हैं। कुछ देर तक पीएम मोदी सोचते रहे, फिर उन्होंने कहा, हम प्लान ड्रॉप नहीं करेंगे, कश्मीर में हालात कैसे कंट्रोल किए जाएं इस पर काम कीजिए। और 5 अगस्त 2019 की सुबह 11:15 पर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटा दिया गया। अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक पर पड़ा जाएगा। आर्टिकल 370 भले ही 5 अगस्त 2019 को हटा लेकिन इसकी स्क्रिप्ट 4 साल पहले ही लिख दी गई थी। 2015 में बीजेपी ने धुर विरोधी पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई। हफ्ते भर बाद ही दोनों पार्टियों के बीच तनातनी शुरू हो गई। राज्य सरकार ने अलगाववादी मसर्रत आलम को रिहा कर दिया। बीजेपी इस मसले पर बुरी तरह फंस गई। पीएम मोदी को सदन में कहना पड़ा, राज्य सरकार के इस फैसले की जानकारी केंद्र को नहीं थी। जो कुछ भी गतिविधियां हो रही है न वो भारत सरकार से मशवरा कर करके हो रही है न भारत सरकार को जानकारी दे करके हो रही है। ऐसे कई और मौके आए जो बीजेपी के एजेंडे के खिलाफ थे लेकिन मन महसूस कर बीजेपी सरकार में बनी रही। 19 जून 2018 की सुबह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल गृह मंत्री अमित शाह से साउथ ब्लॉक में मिले। इसके कुछ ही घंटे बाद बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव राम माधव ने बीजेपी कार्यालय से पीडीपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान कर दिया। आज हमने यह निर्णय किया है कि यह गठबंधन सरकार में आगे चलना भाजपा के लिए संभव नहीं होगा। बीजेपी ने समर्थन वापसी के इस अचानक लिए गए फैसले की कोई ठोस वजह भी नहीं बताई। करीब 6 महीने तक जम्मू कश्मीर में विधानसभा निलंबित रही, राज्यपाल शासन लागू था। इस बीच पीडीपी सरकार बनाने की कोशिश करती रही। 20 नवंबर 2018 खबरें गरमाने लगी कि पीडीपी सरकार बनाने जा रही है। अगले ही दिन 21 नवंबर को राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने जम्मू कश्मीर विधानसभा भंग कर दी, यानी अब सरकार बनाने की संभावना खत्म हो गई थी। महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया, एक चिट्ठी के साथ दावा किया कि उन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का समर्थन हासिल था। सरकार बनाने के लिए उन्होंने राज्यपाल को फैक्स भी किया था लेकिन सत्यपाल मलिक ने इसके जवाब में कहा कि ईद का दिन था और उनकी फैक्स मशीन भी खराब थी। विधानसभा भंग होने के कुछ ही दिन बाद राष्ट्रपति के एक आदेश के जरिए जम्मू कश्मीर विधानसभा की शक्तियां संसद को दे दी गयी। मई जून 2019 में देश में आम चुनाव हुए। पीएम मोदी ने इस बार 303 सीटों के साथ सत्ता में वापसी की। जम्मू कश्मीर की सियासत का चक्का एक बार फिर घूमा। 11 जुलाई 2019 रॉ चीफ सामंत गोयल कश्मीर पहुंचे। फिर 24 जुलाई को एनएसए अजीत डोभाल ने घाटी में तीनों सेना प्रमुखों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मीटिंग की। इसके बाद कश्मीर में हजारों की संख्या में इजरायली ड्रोन भेजे गए। 45,000 जवानों को कश्मीर में तैनात कर दिया गया। इतना ही नहीं, सरकार ने 250 से ज्यादा स्थानीय पुलिस अधिकारियों के हथियार जब्त कर लिए ताकि वो बगावत न कर पाए। कश्मीर में बढ़ी इस हलचल से पूरे देश में चर्चा होने लगी कि घाटी में कुछ तो बड़ा होने वाला है। सरकार को लगा कि कश्मीर का प्लान कहीं लीक न हो जाए, इसलिए तुरंत 3 अगस्त 2019 को अमरनाथ यात्रा रोक दी गई।
साथ ही पर्यटकों को फौरन कश्मीर छोड़ने के आदेश दिए गए. Concern that has been foiled. Security forces, in fact, in those visuals. All these things. ये सारी चीजें इंडिकेट करती हैं कि पाकिस्तान और उसकी आर्मी कश्मीर में अशांति फैलाना चाहती है. इस बीच 25 जुलाई को खत्म होने जा रहे संसद सत्र को आगे बढ़ा दिया गया. 4 अगस्त की रात पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला समेत कई लोकल नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया. जिस दिन ये खत्म करना था, पार्लियामेंट में होना था, उसके एक दिन पहले मुझे होम मिनिस्टर का फोन गया और उन्होंने कहा कि मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, वो सुबह तुम अपने यहाँ से पास करा के और मुझे भेज दो और 11 बजे से पहले भेज दो, मुझे इसको राज्यसभा में ले करना है. 5 अगस्त 2019 की सुबह राज्यसभा. कश्मीर कर्फ्यू के अंदर है 3-3 चीफ मिनिस्टर्स और दूसरी पार्टियों के लीडर्स सभी हाउस अरेस्ट थे. उसको सबसे पहले उस पे चर्चा करनी चाहिए. ये बिल के साथ पास करेंगे. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने जवाब दिया. राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड 1 के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा. इसके बाद आर्टिकल 370 खत्म करने के लिए अमित शाह ने बिल पेश किया जो बहुमत से पास हो गया. अब बारी थी लोकसभा की. इसलिए एग्रेसिव हूँ कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए. क्या बात कर रहे हो आप, एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? दरअसल धुर विरोधी पीडीपी के साथ सरकार बनाना, विवादों के बावजूद 3 साल सरकार चलाना, अचानक समर्थन वापस लेना और विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन लगाना, ये सब कुछ जम्मू कश्मीर को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के फैसले को लागू करने की सोची समझी कवायद थी. महबूबा मुफ्ती की सरकार को गिराना, उससे वापस लेना, फिर उसकी जो असेंबली डिसॉल्व करना जरूरी था क्योंकि असेंबली से ही जानी थी सिफारिश. असेंबली उनके हाथ में होती तो कभी नहीं जाती, तो मैंने असेंबली को डिसॉल्व कर दिया था और फिर सारी पावर्स मेरे हाथ में आ गई. जम्मू कश्मीर राज्य को 2 हिस्सों में बांटकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, लेकिन जम्मू कश्मीर में विधानसभा बरकरार रखी गई. सरकार का दावा था कि इस फैसले के बाद कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या ऐसा हुआ? साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक 2016 से 2019 के बीच 616 और आर्टिकल 370 हटने के 4 साल बाद 2020 से 2023 के बीच 512 आतंकी हमले हुए. यानी आतंकी हमलों में कमी तो आई लेकिन ना के बराबर. सबसे बड़ा सवाल ये था कि पीएम मोदी के इस फैसले के पीछे सियासी मायने क्या थे. देखिए, आर्टिकल 370 जो है वो एक भावनात्मक मुद्दा था, उसको कश्मीर से जोड़ा जाता था और ऐसा भाजपा ने पुरानी उनकी जो पहले भारतीय जनसंघ थी उस समय से उनका प्रयास ये था कि 370 जो है अनुचित है और उससे कश्मीरी जो कश्मीरी मुसलमान हैं उनको कोई विशेष सहूलत दी जा रही है, उनको विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं. तो ये उनके मन में एक बहुत समय से कसक थी. फैसले की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में 23 याचिकाएं दाखिल की गई थी. 11 दिसंबर को 5 जजों की संविधान पीठ ने 370 हटाने की प्रक्रिया को सही ठहराया. फैसला के अगले एपिसोड में देखिए मोदी सरकार का वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया था.